नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि इसमें नया क्या खास है, आधार कार्ड तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान समय में आधार कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। मान लीजिए आपने किसी भी नए बच्चे का अभी आधार कार्ड बनवाया है, उसका आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप एनरोलमेंट के थ्रू आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पसीने छूटने वाले, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करना इतना आसान नहीं होगा। आपको हर बार सर्वर एरर का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको 3-4 तरीके बताऊँगा यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करने का। यकीन मानिए अगर आप पूरा तरीका ठीक तरीके से समझ लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो यहाँ पर आप किसी भी तरह के आधार कार्ड को हर हालत में डाउनलोड कर सकोगे। थोड़ा तरीका डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने UID की वेबसाइट ओपन करके रखी। यहाँ पर सिंपली मैं इस UID की वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड पर किए देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप ठीक ढंग से समझ सको। इसके बाद मैं इसे पूरा इंग्लिश में किए लेता हूँ, जिसके लिए मुझे ऊपर की तरफ आना होगा लैंग्वेज बदलने के लिए। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन गेट आधार के ऑप्शन पर ही डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा डाउनलोड आधार फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ से भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली करना क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है रिटर्व्यू EID ऑब्लिक आधार नंबर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। यहाँ पर आधार नंबर पर सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर सिंपली जिसका भी आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर सिंपली कैप्चर डाल के सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसी आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो यहाँ पर OTP आपको डाल देना है बॉक्स में, और आपका आधार नंबर शो करने लगेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तब ऐसी कंडीशन में, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर अपना आधार कार्ड आधार नंबर डालने के बाद और कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP के बटन पर क्लिक करने के बाद आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना। अगर यहाँ पर भी सर्वर प्रॉब्लम बताता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि बैक आ जाना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चर डालना है, और यहाँ पर सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोबारा से आपको वही ऑप्शंस यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेंगे डाउनलोड आधार का, तो सिंपली आपको डाउनलोड आधार के कॉलम पर क्लिक करना है। तो नीचे की तरफ आपको डाउनलोड और कैंसिल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर आधार डाउनलोड कर लेना। अगर एरर जाता है तो दोबारा से वही प्रोसेस अपनानी है। यहाँ पर फ़ायदा आपको ये होगा कि बार बार OTP के माध्यम से आपको लॉगिन नहीं करना होगा, आपकी लॉगिन तो हो चुकी है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको क्लिक करते जाना है, एक दो बार में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो ही जाएगा। ये तो हुआ पुख्ता आधार डाउनलोड करने का। अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर किसी ने भी अपना आधार कार्ड नया यहाँ पर बनवाया है, तो उसका आधार नंबर तो यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर रिट्यू EID ऑब्लिक आधार नंबर के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको आधार नंबर फॉरगेट कर लेना है। जैसे आधार नंबर मिल जाए तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका काम नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो आधार नंबर निकालने का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्ले स्टोर में यहाँ पर माय आधार के नाम से एक ऐप्स रहेगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर सिंपली जैसे डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपका आधार कार्ड यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करने का ऐप्स यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। दोस्तों ये ऐप्स UID की तरफ से लॉन्च किया गया है खासतौर पर पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर आप पर्सनल यूज के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, आधार कार्ड में करेक्शन भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर
लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको अपने आधार किसी के भी आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन होना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नया किसी का भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था आधार नंबर निकालने के बारे में, तो देखिए डाउनलोड के बगल में आपको रिटर्न ई आई डी ऑब्लिक यू आई डी लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नेम डाली, यहाँ पर मोबाइल नंबर कैप्चर डाली, सेंड ओ टी पी के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर प्राप्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पर इस एप्स की खासियत होती है कि यहाँ पर जितने भी सर्वर होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस एप्स की मदद से आधार कार्ड डाउनलोड करने जाओगे तो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बिना सर्वर इशू के आप यहाँ पर अपना आधार नंबर भी निकाल सकोगे, आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकोगे। देखिए यहाँ से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का आपने आधार लॉगिन करके रखा है तो उसी का आधार कार्ड डाउनलोड होगा, यहाँ पर किसी का भी आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद अगर फिर भी किसी तरह की समस्या आ रही है तो यहाँ पर देखिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस के बटन पर जाइए, यहाँ पर आधार स्टेटस के बटन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालिए, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कैप्चर डालिए और चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि आपकी जो एनरोलमेंट की स्लिप है वो कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गई। अगर रिजेक्ट हो जाएगी तब तो आप वैसे ही डाउनलोड नहीं कर सकोगे अपना आधार कार्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो सब अब आपके काम में आएंगी और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपने अपना आधार कार्ड डाउनलोड किया है या फिर नहीं, और अगर किया है तो किस तरीके से किया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।